गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आज गुरुवार 6-7 साल बाद जो है इस गुणायतन परिसर में आने का सौभाग्य मिला। गुरुजी आज मैं आपके साथ में जब दो चीज़ देखने के बाद में एक चीज़ मेरे बार बार मन में आई कि आपने इस गुणायतन की कल्पना और साथ में जो थीम पार की कल्पना आपने सोची, मैं आज तक ये सोच रोमांचित हूँ जो चीज़ हमने वर्णन में आज देखा और उसको परिभूत किया। गुरुजी वो कैसे आपके मन में वो कल्पना है और कैसे वो अद्भुत होगी? मैं तो मन मेरा इतना रोमांचित है कि जिस दिन ये कल्पना परिभूत होगी, कंप्लीट होगी, तो पता नहीं उसका स्वरूप कैसा होगा। और वास्तव में ये एक अनोखा चीज है जो हम पूरे विश्व को मिलने वाली है, उसका महाराज जी समाधान तो चाहिए। आपने पूछा ये परिकल्पना कैसे आई, संक्षेप में बोल दूं? आप लोगों के पुण्य से। क्यों, इसमें तसल्ली नहीं है? नहीं है महाराज। अरे तब भाष्य लिखना पड़ेगा। देखो बात ऐसी है, मैंने अनेक बार इस विषय में चर्चा की, शिखर जी हमारा मूल तीर्थ स्थल है, बाकी सारे तीर्थ हमारे द्वारा बनाए हुए हैं, एकमात्र ये शाश्वत निर्वाण भूमि है, दूसरी ओर अयोध्या है जो तीर्थंकरों के द्वारा बनाई गई है, और वो आज की नहीं अनादि की है। मन में एक विचार आया कि सब जगह काम हो रहा है, लोग मूल को भूल रहे हैं, मूल तीर्थ स्थल पर कुछ ऐसा बनना चाहिए जो सारे विश्व के लोगों को जैन धर्म से जोड़ सके। यह समेत शिखर एक ऐसा स्थल है जहां सर्वाधिक जैन तीर्थ यात्री और साथ में श्रद्धालु आते हैं, तो यहां कुछ होना चाहिए। तो मंदिर बने, तो मंदिर तो ऐसे भी यहां बहुत सारे हैं, तो मंदिर चूंकि हमारा वो तो धर्मस्थल है, मंदिर तो होना ही चाहिए, लेकिन मुझे लगा मंदिर से कुछ हटकर होना चाहिए। मंदिर से हटकर के क्या करे, तो मेरे मन में भाव जगा था कि कुछ ऐसा हो जिससे लोग जैन तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सके। और ये जब मैं संघ में गुणस्थान पढ़ा रहा था तो चर्चा में बात आई कि इन गुणस्थानों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ आप रास्ता बताएं, तो वही बात मेरे मन में आई, क्योंकि मैं गुणस्थानों की जब भी विवेचना करता हूं उसे बहुत व्यवहारिक तरीके से बताता हूं। तभी मेरे मन में आया कि अगर हमने 14 गुणस्थानों को केंद्र बनाकर कोई प्रस्तुति दी तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ दे सकेंगे, और यहाँ जो आएंगे उन्हें जैन धर्म का मर्म जानने में आएगा। तो उसकी शुरुआत हुई 2007 से, 6 में भाव बना, 7 से सोचना शुरू किया, और 2007 से 2017 तक खूब R&D चली, 3-3 स्टोरी बोर्ड बन गई। मंदिर वगैरह का काम तो अपनी गति में था, लेकिन मैं चाहता था यहाँ ऐसा कुछ बने जिसे देखते ही लोगों के मुख से वाह निकले। वो मेरे मन को संतुष्टि नहीं दे पाए, मैं लगातार प्रयास करता रहा। ये लोग बहुत सारे बड़े बड़े आर्ट डायरेक्टर्स को मेरे पास लाए, मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा नहीं, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं दिख रहा है। अंततः फिर ये कल्पनाएं बढ़ती गई बढ़ती गई, और जो वर्तमान का रूप आप देख रहे हैं, हमारा मन था कि हम समोसरण की संरचना भी लोगों को प्रदर्शित करें और जैन वांग्मय के सार को लोग जान सके, क्योंकि आज की पीढ़ी के पास अब पढ़ने की न तो रुचि है न समय, तो उनके लिए हम पलों में ही पूरे वांग्मय का ज्ञान दे सके और उनके जीवन का मर्म बोध करा सके, ऐसा कुछ हो। बस उसी प्रेरणा से ये गुणायतन की संरचना हो रही है, और अब मैं पूर्ण संतुष्टि के साथ आप सबसे कह सकता हूं कि मैंने जैसा सोचा बल्कि उससे कहीं आगे गुणायतन साकार होने जा रहा है। आप लोगों ने देखा है काम बहुत बड़ा है,
एक महत्वाकांक्षी योजना है और ये बहुतों के सहयोग से ही फलीभूत होगा, लेकिन मुझे मालूम है ये कार्य पूरा होगा और आने वाली पीढ़ियों का उद्धारक होगा। इसलिए इस संदर्भ में मैं सभी से यही कहूंगा, भगवान का रथ चल पड़ा है, ये जगन्नाथ का रथ है, निकला है, अपने गंतव्य पर जाकर के ही रुकेगा। तुम तय करो कि इसमें हम कितना हाथ लगाते हैं, वो तुम्हारा सौभाग्य है। ये सौभाग्य आप सबका होना चाहिए, तो ये प्रयास है। आज मुंबई से धारा, स्टील की धारा यहाँ बही है। धर्मेंद्र भाई आज परिवार के साथ आए और उन्होंने देख करके बड़ा प्रमोदित मन से पूरा का पूरा परिवार आज गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े, बहुत बहुत प्रसन्नता है। मुझे तो मालूम ही नहीं था, जब मालूम पड़ा कि ये धारा स्टील वाले हैं तो गुणायतन के महामंत्री अशोक जी ने मुझसे कहा, खबर भिजवाया, बोले महाराज जी बहुत बड़ा ब्रांड है धारा का, ये बड़े हैं। चलिए मुझे नहीं मालूम कैसा ब्रांड है, पर मैं तो ये जानता हूँ जो गुणायतन से जुड़ गया वो तो अपने आप में सुपर ब्रांड बन ही गया है। अब उसकी शुरुआत है, ये धारा बहती रहनी चाहिए। मेरा इस परिवार को भी यही आशीर्वाद है, धर्मेंद्र भाई, जयेश भाई, कल्पेश भाई और उनके बहनों पंकज जी, हाँ कमलेश भाई और पंकज भाई, ये पूरे भाई है, आगे आगे बढ़ते रहे और लोग इसी तरह जुड़कर अपना काम करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। नमोस्तु।